while Bigg Boss 14 has already created headlines ever since the new season aired, it is contestant Jaan Kumar Sanu who has taken over the internet off late. Jaan had made a comment which hurt the sentiments of the Marathi community, and following this, the MNS and Shiv Sena sought for an immediate apology. While Jaan asked for forgiveness for making an anti-Marathi remark, his father and renowned singer Kumar Sanu has also issued an apology on behalf of his son. In a video, Kumar can be seen talking about Jaan's comment in the BB14 house and stated that he hasn't been staying with Jaan and the family for a long time, which is why he felt the need to apologize given that he is the father and is responsible for it. Namaskar, namaskar, Uddhav ji. Namaskar, main Kumar Sanu. Mujhe bahut acha laga ki BMC ne mera ye COVID kaal mein BMC ne mere ko bahut sambhala. और बार बार फ़ोन करके डॉक्टर के बाद बात कराया, बार बार बात किया और लोगों ने हाल पूछा, मेरे को अच्छी तरह से नज़र पे रखा था कि कोई ख़राब ना हो। वंस अगेन थैंक्स फॉर दिस, बीएमसी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट था। एंड ये कोरोना काल से मैं कोविड से अभी मैं निकल के बाहर आया एंड नेगेटिव आया, बट क्या है कि चेस्ट में थोड़ा सा कंडीशन है अभी भी, इसके लिए दवाई चल रहा है, मैं आइसोलेशन में हूँ अभी भी। ये कोरोना काल में मैं तो मैंने सुना मेरा बेटा जान ने बहुत ही एक गलत बात कहा, जो कि हम इस 41 साल में कभी सोचा भी नहीं था, ना सोच सकता था कि जिस महाराष्ट्र, जिस मुंबई, जिस मुंबा देवी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था और जिस तरह से मुझे एक नेम फेम से लेके सब कुछ दिया उन्होंने, उस मुंबा देवी या उस महाराष्ट्र के बारे में ऐसा कोई बात मैं तो सोच नहीं सकता कभी। हालांकि मेरे बेटे जिसने ये बात कहा, कोई भी लैंग्वेज के बारे में, मैं तो सारा भारत का जितने भी लैंग्वेजेस है सारा लैंग्वेजेस का मैं आदर करता हूँ और मैं आदर व्यक्त करता हूँ। मैं सारे लैंग्वेज को प्यार करता हूँ, सारे लैंग्वेज में मैं गा चुका हूँ। मेरा बेटा जो है वो 27 साल मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, हम 27 साल से अलग हैं करीब। तो ये उनका माँ का क्या शिक्षा है, किस तरह से शिक्षा दिया, किस तरह से इस तरह की बात कह सकते हैं, ये मेरा समझ के बाहर है। तो आई एम सॉरी, पहले से ही, और एक बार मेरे बेटे होने के नाते मैं क्या करूं, एक बाप होके मैं माफी मांग सकता हूं आप लोगों से। Earlier, Jaan's mother Rita Bhattacharya had asked everyone not to drag something like this and called it a misconception.